विद्यार्थियों, आज आपको मैं बालाजी की क्वेश्चन बैंक्स आ गई है इसके बारे में बताता हूँ। कई वर्षों से बालाजी की क्वेश्चन बैंक में इतने प्रश्न रहते हैं जिसको आप हल करके परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा जो इस साल की बालाजी आई है। इसमें सबसे पहले आपको ये पता होगा कि उत्तर प्रदेश द्वारा, जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद है, उसने वर्ष 2020-21 की परीक्षाओं के लिए निर्धारित 30% कम कर दिए हैं सिलेबस। तो ये जो नया सिलेबस है, इस साल का जो सिलेबस है उसके आधार पर ये बुक बनाई गई है। NCERT बेस्ड है, एग्जाम टाइम और 100% सफलता का गुरु मंत्र है। इस बुक में सबसे बड़ी खासियत क्या है, क्योंकि मैं कई वर्षों से इसको सॉल्व कराता हूँ, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि NCERT के सभी प्रश्न इसमें सॉल्व किए गए हैं। आपकी जो दो वर्ष से परीक्षाएं हो रही हैं NCERT बेस पर, तो इसमें सबसे बड़ी ये खूबी है कि उसके सभी प्रश्न इसमें सॉल्व हैं, और जो प्रश्न आ रहे हैं इस समय वो ज़्यादातर NCERT के आते हैं। इसलिए इसमें सबसे बड़ी खूबी क्या है कि 100% इसमें क्वेश्चन परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं इसी से। दूसरी बात क्या है इसका, जो अगर आप देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, जो सिलेबस इसका बनाया गया है, हर चैप्टर का जो सिलेबस है उसको विधिवत इसमें सॉल्व किया गया है। मतलब इसमें यह नहीं कि कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उतने हैं इसमें। मतलब चाहे जो, अगर आप देखिए संबंध तथा फलन जो है, संबंधों के प्रकार, स्वतुल्य, सममित, संक्रमक, तुल्यता संबंध, इस पर एक क्वेश्चन हर बार आता है। एक एकी वा आच्छादक फलन, संयुक्त फलन, फलन का प्रतिलोम, द्विआधारी संक्रियाएं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में जो है उसकी परिभाषा, परिसर, प्रांत, मुख्य मान, तमाम इस पर आधारित प्रश्न, आव्यूह, सारणी, कंटिन्यूटी और डिफरेंसिबिलिटी, सांतता और औकलनीयता, अवकलज के अनुप्रयोग, इंटीग्रेशन और इसका समाकलनों के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण, इन सभी जो चैप्टर्स हैं और वेक्टर, खासकर इसमें जो वेक्टर का जो है प्रश्नावली जो दिया है, इसको आप बहुत अच्छे ढंग से इसको समझ सकते हैं। और ये भी बता दे रहे हैं इस सिलेबस को पढ़ने से कुछ भी आपका अधूरा नहीं रहता, कि जैसे आपने इसको पढ़ा है तो आप कुछ चीज़ें छूट गई, सब कुछ है इसमें। तो गंभीरता से अगर आप इसको तैयार करेंगे, और इसको जिसने सॉल्व किया है वो बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व किया, इसमें आप देखेंगे जो इसका सॉल्व किया है उसमें आपको गलत कम से कम मिलेंगे, क्वेश्चन बहुत कम इसमें गलती है। सबसे बड़ी दिक्कत क्वेश्चन बैंक में होती है जो मार्केट में बहुत आ जाते हैं, जल्दबाजी में बन जाते हैं, तो ज़्यादातर उसमें कमियां बहुत सारी रहती हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन बैंक्स हैं इसमें जो है, आप पूरी तरीके से इसमें आपको सफल होने के लिए बनाया गया है, सभी विषयों के लिए है। और इसमें इस बार जो है 5 प्री बोर्ड प्रश्न पत्र भी रहेंगे, और NCERT के अध्यायों की प्रश्नावली के संपूर्ण हल हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीनतम अंक विभाजन पर आधारित है, न्यू पैटर्न पर आधारित है, अंशाल प्रश्न इसमें बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसमें जो है देखिए, आप देखिए मॉडल प्रश्न पत्र 4th, 5th, अगर आप इसको पूरी तरीके सॉल्व कर लेंगे तो कुछ अलग से आपको नहीं पढ़ना है, प्रॉबिबिलिटी बहुत अच्छे से हल है इसमें। और जो लीनियर प्रोग्रामिंग है, और जो स्ट्रेट लाइन है, वो स्पेस, उसके अलावा जो है वेक्टर के क्वेश्चन, और डिफरेंशियल इक्वेशन या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये और डेफिनेट इंटीग्रल, सब बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व है। तो एक बार इसको सॉल्व करिए, उसके बाद मैं खुद एक यूट्यूब स्टार्ट करने वाला हूँ, इसको प्रतिदिन इसको सॉल्व कराऊँगा, और जिससे आप परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक पा सकें।
बाकी आप सिलेबस को आप गंभीरता से पढ़ते रहिए। साथ में ज़्यादा ज़्यादा अंक अगर आपको पाना है तो अभी से आप एग्जाम टाइम खरीद लीजिए और एग्जाम टाइम ले लीजिए और इसको प्रतिदिन अच्छे से सॉल्व करिए सभी विषयों के लिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा।